आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेकंड लेक्चर ऑफ टॉपिक कॉल्ड लिपिड्स। लिपिड्स के अब तक के टॉपिक के अंदर हमने पिछले क्लास के अंदर लिपिड के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी किया और फिर हमने लिपिड्स के कंपोनेंट को डिस्कस किया कि लिपिड के दो कंपोनेंट होते हैं, फैटी एसिड और अल्कोहल, और उनमें से हमने फैटी एसिड के बारे में स्टडी किया तो हमें पता लगा कि फैटी एसिड्स आर बेसिकली लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके अल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं और जनरली इट वेरीज फ्रॉम 4 to 24 कार्बन लॉन्ग कार्बन चेन। फिर हमने फैटी एसिड के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया तो पता चला फैटी एसिड कैन बी ऑफ टू टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन कि उनके स्ट्रक्चर के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं। अगर सारे के सारे वैलेंसीज कार्बन चेन की सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड हैं देन इट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड इफ इट इज़ तो नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं जिनके अंदर देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जनरल फार्मूला हमने देखा सैचुरेटेड फैटी एसिड का एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का और उसके बेसिस पे हमने कुछ एग्जांपल्स देखे। हमें ये मालूम चला कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव वेरी लो रिएक्टिविटी तो बॉडी में उनका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो कम होता है एंड हेंस दे गेट एक्यूमुलेटेड इनसाइड आवर बॉडी और कई बार वो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं जिसके कारण काफ़ी कार्डियोवास्कुलर डिजीज हमें का सामना करना पड़ता है। और अगर हम बात करें नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड का तो जनरली दे आर रिएक्टिव और इनके मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिक रेट हाई होती है जिनके कारण बॉडी में ये प्रॉपर वे में मेटाबोलाइज होते हैं और इनके बॉडी में एक्यूमुलेट होने की चांसेस कम होती है और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है जिसके कारण रूम टेम्परेचर पे आपको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलेंगे, वहीं पर आपको सैचुरेटेड फैटी एसिड्स सॉलिड फॉर्म में देखने को मिल सकते हैं लाइक बटर एंड घी। तो हमने एग्जांपल्स देखे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के एंड फैटी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के, उसके बाद हमने उनकी इम्पोर्टेंस को स्टडी करा और आज की क्लास में बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं कि हाउ द फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल आर गोइंग टू कंबाइन टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड्स और फैट्स। तो हम अलग अलग टाइप के लिपिड का फॉर्मेशन उनके क्लासेस के बेसिस पर स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे लिपिड्स की क्लासिफिकेशन की। अगर हम लिपिड्स के क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम इनको तीन क्लासेस के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास इज कॉल्ड एज द सिंपल लिपिड्स, सेकेंड क्लास इज कॉल्ड एज द डिराइव्ड लिपिड्स एंड थर्ड क्लास इज कॉल्ड एज कंजुगेट लिपिड्स। नाउ फर्स्ट लेट अस कंसीडर व्हाट सिंपल लिपिड्स आर और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। So we will begin here with the topic simple lipids or simple fats. तो simple lipids को अगर मैं define करना चाहूँ इनके property को तो they are long chain esters of fatty acid and alcohol. तो ये fatty acid और alcohol से बनने वाले esters है। आपने क्लास 11th 10th में पढ़ा होगा, जब आप बहुत छोटे रहोगे तो आपने क्लास 10th के अंदर एस्टरीफिकेशन रिएक्शन पढ़ा होगा जहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि अल्कोहल एंड एसिड ग्रुप्स कंबाइंड टू फॉर्म ईस्टर एज अ बाय प्रोडक्ट। तो esterification reaction is basically an alcohol combining with carboxylic acid to form an ester. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि how fatty acid and alcohol are combining to form an ester. Fatty acid के बारे में already हम ये बात कर चुके हैं कि fatty acids are nothing but they are long chain carboxylic acid. तो basically बात जो हम कर रहे हैं यहाँ पर simple lipid की formation के लिए
वो बात हम कर रहे हैं esterification रिएक्शन की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डिफाइन करना चाहूँगा व्हाट इज़ esterification रिएक्शन। इट इज़ द रिएक्शन बिटवीन alcohol and carboxylic acid to form ester. alcohol और carboxylic acid के बीच का जो reaction होता है ester form करने के लिए, this reaction is called as esterification reaction. तो सिंपल लिपिड्स आर बेसिकली ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंड अल्कोहल। सो नाउ लेट अस डिफाइन सिंपल लिपिड्स, दीज आर ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। जैसा कि आपको पता है कि फैटी एसिड का कार्बन चेन लॉन्ग होता है एंड अल्कोहल। अब हम देखते हैं कि हाउ दे आर गेटिंग फॉर्म, सिंपल एसिड फॉर्म कैसे होते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे देखें। अब ईस्टर के बारे में अगर मैं बात करूँ, सिंपल लिपिड की एक्चुअली, तो इसमें क्या होता है कि तीन फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल अटैच्ड होते हैं एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल के साथ, ईस्टर बॉन्ड के साथ, सच दैट ट्राइग्लिसराइड्स आर फॉर्म्ड। तो सिंपल लिपिड्स के बारे में बात करें तो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राइग्लिसराइड्स। सिंपल लिपिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राइग्लिसराइड्स। अब ये ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ऐसा मॉलिक्यूल जो फैटी एसिड के तीन मॉलिक्यूल और ग्लिसरॉल के एक मॉलिक्यूल के साथ मिलके बनता हो। सो ट्राइग्लिसराइड्स और द सिंपल फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स आर थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड added to one molecule of alcohol or trihydric alcohol, जिसको कि हम commonly glycerol के नाम से भी जानते हैं। So now let us see what is glycerol. पहले हम fatty acid और glycerol के structure को देखेंगे कि और ये join कैसे हो रहे हैं। So glycerol के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ग्लिसरॉल इज़ अ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। आपको पता है कि ऐसा अल्कोहल जिसके अंदर तीन OH ग्रुप प्रेजेंट हो, सच अल्कोहल्स आर कॉल्ड एज ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। सो हेयर आई एम मेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल। सो दिस इज ग्लिसरॉल। इसको आप चाहो तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कह लो, या फिर इनको कहने को हम ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन भी कहते हैं। सो दिस इज ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। ट्राईहाइड्रोक्सी इसके लिए बिकॉज इट हैज़ प्रेजेंस ऑफ थ्री OH ग्रुप, एंड प्रोपेन इसके लिए क्योंकि यहाँ पे कार्बन चेन के अंदर तीन कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट। सो ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लिसरॉल, जिसका स्ट्रक्चर आपको याद रखना है अगर आपको सिंपल लिपिड के स्ट्रक्चर को समझना है। तो ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन कॉमनली कॉल्ड एज ग्लिसरॉल, और फैटी एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि फैटी एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है जहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ देयर इज़ अटैचमेंट ऑफ एन अल्काइल ग्रुप। सो दिस इज़ हाउ अ फैटी एसिड अपीयर्स।
तो नाउ हम फैटी एसिड और अल्कोहल को अटैच करेंगे टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ सिंपल फैट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राइग्लिसराइड. सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ सिंपल लिपिड्स. सो जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड कंबाइंस प्लस वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल जिसका स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी देख लिया है, तो कैसे ये कंबाइन करके ईस्टर का फॉर्मेशन करते हैं ये अब हम देखने वाले हैं. सो हेयर आई एम ड्राइंग अ अल्कोहलिक ग्रुप. So this is what you have drawn is glycerol. आप इसको ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन भी कह सकते हो. नाउ आई एम ड्राॅइंग मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स. दिस इज फर्स्ट फैटी एसिड, दिस इज द सेकेंड फैटी एसिड दैट आई एम ड्राॅइंग, एंड दिस इज द थर्ड फैटी एसिड आई एम ड्राॅइंग. R1, R2 and R3 are representing the alkyl groups. Now what happens? ये आपस में जब combine करते हैं तो आपको पता है कि इनका formation esterification reaction से हो रहा है. तो acid groups gives it OH and OH alcohol group gives its hydrogen and there is elimination of three water molecules. तो आप देख रहे हो कि हर एक addition के point पे there is elimination of a water molecule and then we have formation of a fatty, a simple fat. So अगर मैं complete structure यहाँ पर draw करूँ simple fat का, तो it appears something like this. And now so this is the structure of a simple fat or triglyceride. Simple fat जिसको आप triglycerides भी कहते हो. एंड दी आप देख रहे हो कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप इज ईस्टर ग्रुप. सो हम इसलिए ये भी कहते हैं कि सिंपल फैट्स आर द ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल विच इज़ आल्सो नोन एज ग्लिसरॉल. तो दिस इज हाउ सिंपल फैट्स आर फॉर्म्ड. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हेयर कि ये जो आर ग्रुप्स आप देख रहे हो they can be similar or they can be dissimilar. So if alkyl groups of the fatty acids are same, then it is called as pure fats. If R1, R2 and R3 are same, then the simple lipid is called as pure fat. Pure fat, and if R1 and R2 are not same and R3 are not same, then the lipid is called or the fat is called mixed fat. तो बच्चों आपने एग्जांपल देखा आपने कि कैसे फॉर्मेशन होता है सिंपल फैट का. अब हम एग्जांपल्स लेंगे कुछ सिंपल फैट्स का. बिफोर गोइंग अहेड मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूं कि सिंपल फैट्स आर नथिंग बट दीज आर द ईस्टर्स. क्या होते हैं ये सिंपल फैट्स? आर ईस्टर्स ऑफ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल
ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल मीन्स ऐसा अल्कोहल जिसके पास 3 OH ग्रुप हो एंड इट इज़ द एस्टर ऑफ ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल एंड ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड ऐसे होते हैं जिनके अल्काइल चेन काफ़ी लॉन्ग होते हैं, वो वाले कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपने देखा कि हाउ डिहाइड्रेशन रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एंड 3 molecules ऑफ वाटर इज एलिमिनेटेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ ट्राइग्लिसराइड और सिंपल फैट। नाउ लेट अस टेक सम एग्जाम्पल। तो जो नेचुरली ऑकरिंग फैट्स होते हैं दोज आर सिंपल फैट्स। तो नेचुरल फैट्स आर वन ऑफ इट्स एग्जाम्पल। जैसे कि कॉमर्शियली ऑकरिंग जो हार्ड फैट्स होते हैं उनका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे कि वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ ड्राइंग ऑयल्स एंड द स्पेशल ऑयल विच इज़ यूज इन पेंट इंडस्ट्री टू सॉलिडिफाई। सो डाइंग इंडस्ट्रीज के अंदर जो फैट यूज़ किए जाते हैं, डाइंग इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किया जाता है नेचुरल फैट्स को फॉर। एंड पेंट इंडस्ट्री की बात करें तो पेंट इंडस्ट्री में भी स्ट्रीम में इट इज़ यूज्ड एज सॉलिडिफाइंग एजेंट। फिर अगर हम बात करें जो वैक्सेस होते हैं ना नेचुरल फैट के अलावा, अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करें सिंपल फैट की, तो वैक्सेस आर द एग्जांपल ऑफ सिंपल फैट। अगर मैं वैक्सेस के बारे में बात करूँ तो वैक्सेस आर फॉर्म्ड बाय कम्बिनेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल विथ अ ग्लिसरॉल। सो वैक्सेस आर वन मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड कंबाइंड विथ ग्लिसरॉल। सिर्फ एक ही फैटी एसिड। नॉर्मली जो हम सिंपल फैट्स की बात करते हैं वहाँ पे क्या होता है कि 3 फैटी एसिड कंबाइन करते हैं 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ, बट वैक्सेस के केस में ओनली 1 molecule ऑफ फैटी एसिड कंबाइन विथ ग्लिसरॉल और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। अगर वैक्सेस के एग्जांपल के बारे में बात करें, बहुत सारे टाइप्स के वैक्स जो होते हैं वो नेचर में अपीयर करते हैं, लाइक बीस वैक्स जो हनी बीज बनाती है, बीज वैक्स हो गया। अगर इसकी मैं बात करूँ तो इट इज़ मेड अप ऑफ पाल्मेटिक एसिड एंड मेरिसाइल अल्कोहल। पामेटिक एसिड एंड मेरिसाइल अल्कोहल। पैलमेटिक एसिड के बारे में, पामेटिक एसिड के बारे में ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। तो बी जो वैक्स सीक्रेट करती है इट इज़ मेड अप ऑफ पामेटिक एसिड, आपने पढ़ा है। सैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर जो 16 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड होती है या फैटी एसिड होती है उनको पामेटिक एसिड कहते हैं। मेरिसाइल अल्कोहल ये 20 वैक्स का फॉर्मेशन करते हैं। अनदर काइंड ऑफ सिंपल वैक्स इज वैक्स डी। वैक्स डी के बारे में बताऊँ अगर तो इट इज़ सीक्रेटेड बाय द बैक्टीरिया ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड लेप्रोसी। ट्यूबरक्लोसिस या फिर लेप्रोसी के बारे में आपने सुना होगा, तो उनके बैक्टीरिया जो होते हैं ये वैक्स डी का सिक्रेशन करते हैं एंड दिस वैक्स डी इज़ क्वाइट हार्मफुल फॉर अस। उसके बाद अगर हम बात करें तो सिंपल फैट्स के अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं कुछ प्लांट वैक्स का। प्लांट वैक्स में सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें ह्यूमन के लिए तो मतलब कॉमर्शली पॉइंट ऑफ व्यू से जो कार्नोबा वैक्स है, कार्नोबा वैक्स हमारे लिए कमर्शियली इम्पॉर्टेंट ये है बिकॉज इट इज़ यूज फॉर मेकिंग शू पॉलिश। शू पॉलिश का आपको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ सम सिंपल फैट। अब बच्चों अगली क्लास में हम स्टडी करेंगे अबाउट कंजुगेट लिपिड एंड derived lipid. Thank you.